गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल केड़ी बिंदास पे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गांव से लेकर के शहर तक, जमीन से लेकर के चांद तक, संगीत से लेकर के डांस तक और सबके दिल से लेकर के देश की जान तक हमारे देश का नाम रोशन किया है ऐसी बेटियों ने। ऐसी ही एक शख्सियत जिनका नाम है पूजा बिश्नोई, उन्हीं के बारे में आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। 8 साल की एज में ना तो वो लड़की को है बचपन की मौज, ना है खाने पीने और मस्ती, ना है स्कूल के होमवर्क की चिंता। उसको एक ही चिंता है, वो है 2024 के वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन। 8 साल की एज में वो लड़की अभी हर रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करती है। गोल्ड मेडल जीतने का जज्बा आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे विराट कोहली सर के साथ उनका फोटो है, यानी कि उनको एक अवार्ड दिया गया है। विराट कोहली जी उनके साथ से अमिताभ बच्चन सर, जैसे ही आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों की प्रैक्टिस लगातार हर रोज 8 घंटे ये लड़की करती है, प्रॉपर विथ ट्रेनिंग, विथ प्रॉपर डाइट एंड इट्स फूड। ये ऐसी लड़की है दोस्तों कि 8 साल की एज में हर रोज 8 घंटे ओलंपिक 2024 की तैयारी करती है। जब ये लड़की 6 साल की थी दोस्तों, तब 10 किलोमीटर सिर्फ 48 मिनट में कंप्लीट किया था। उसको जोधपुर मैराथन की तरफ से एक प्रॉपर मेडल मिला था। ये किसान की 9 साल की लड़की का एक मकसद है, वो है देश को ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जिताना। अभी की बात करें दोस्तों को 3 किलोमीटर वो सिर्फ 12.5 मिनट के अंदर वो दौड़ चुकी है और उसके पास है अंडर 14 वर्ल्ड कप का खिताब। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार और तगड़ी मेहनत पड़ती है इसके लिए, और इतनी छोटी उम्र में इतनी इंस्पिरेशन लाना ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ओलंपिक 2024 पे सबकी नज़र है और उस पर भी गोल्ड मेडल पे बहुत लोगों की नज़र है, तो वो उसके ऊपर हमारे देश के बेटी की नज़र रहेगी। वो जे उसको गोल्ड मेडल को हमारे देश को भेंट दे सकती है, और मुझे विश्वास है कि भेंट दे सकती है, नहीं देगी। ये लड़की आपको फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम में भी दिखाई दे सकती है दोस्तों। अभी फास्टर बॉलिंग की प्रैक्टिस भी अभी करती है। और आखिर में आपको एक चीज़ ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।